हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। जनपद मुख्यालय बांदा के रेलवे स्टेशन में आज मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन आरपीएफ और ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए। बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक पोल के फंस जाने के कारण ये घटना हुई है। स्टेशन मास्टर के मुताबिक घटना रेलवे स्टेशन के समीप माल गोदाम से कुछ दूर बजरंग विद्यालय के पास हुई। एआरटी की टीम ने दोनों डिब्बों को पटरी पर लाने का कार्य शीघ्र ही पूरा कर दिया, जिससे जल्दी ही रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। और देखे उधर सब लोग खाना खा के उठे बैरक से, तो देखे तो एक हंसते हुए चला आ रहा था। सब लोग बड़ा तेज दौड़े वहाँ से और दौड़ के चिल्लाए, हाथ उठा के बड़े जोर से चिल्लाते, अगर वहाँ देख लेते तो सबका ट्रेन नहीं होता, मगर इन्होंने जाके वहाँ तब आगे पहुँचे तब देख पाए हैं। और देखने के बाद तब इन्होंने गाड़ी रोका जब तक डील हो गया। ग्राम में दो से लोड निकाल रहे थे और ये वहाँ बोरियाँ तमाम लोड की माल की लगी हुई थी, तो यार निकाले लोड, वही पांच छह गाड़ी के बाद बिजली ओएचई का पोल पड़ा था, बोरियाँ उसके ऊपर पड़ी थी, किसी धमस से बोरियाँ गिरी और खम्भा भी पलटा, पांच छह गाड़ी के बाद फंस गया है, जिससे आरपीएफ मौके में वहाँ थी आप ड्यूटी वाले, तो उन्होंने आवाज मारा तो गाड़ी हम खाली करवाए उतने में रेल होगा। बांदा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी आज पटरी से नीचे उतर गई। पूरा हादसा एक पोल के फंस जाने को लेकर हुआ है और रेलवे और आरपीएफ की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहत कार्य जारी है और यहाँ पर आला अधिकारी रेलवे के कर्मचारी सब लोग लगे हुए हैं और पटरी में जो डब्बा उतरा है उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यही बात कहने वाली बात ये होगी कि अगर ये मालगाड़ी ना होती, सवारी गाड़ी होती, तो एक बड़ा हादसा होने की आशंका थी। बुंदेलखंड न्यूज के लिए अनवर रजा बांदा।